अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम रियाज और आप देख रहे हैं लेबर न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं गोगा रिफ्रेशमेंट शॉप पर, जो 20 साल पुरानी दही भल्लों की दुकान है। यहां के बहुत ही मशहूर दही भल्ले हैं, लोग बहुत शौक से खाने के लिए यहां पर आते हैं, जो मेन कन्ना रोड नियर ट्राली अड्डा स्टॉप पर मौजूद है। ये हम आपको गोगा रिफ्रेशमेंट के ऑनर से मुलाकात करवाते हैं और इनके ज़बानी इनकी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गोगा रिफ्रेशमेंट के ऑनर और इनसे हम कुछ मालूमात लेते हैं और इनकी ज़बानी आपको बताते हैं कि ये कैसे इतने बड़े एक शॉप के मालिक बने। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। कितना अर्सा क्या आपकी शॉप पे? जी हमें इधर 20 साल हो चुके हैं। आपने गोगा रिफ्रेशमेंट क्यों रखा इसका नाम? जी ये गोगा रिफ्रेशमेंट इसलिए रखा है कि हमारा भाई एक बड़ा है इसका, तो पहले वो रक्षा चलाता था, तो उसके रक्षा के पीछे गोगा लिखा हुआ था, तो उसने भाई ने रक्षा भेजा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसने रक्षा भेजा, ये दुकान डाली उसने, तो ये हमने स्टार्टिंग पहले जो है ना मिल्क शेक से जो है ना हमने ली है सबसे पहले जो है जी। अच्छा, तो आपने सबसे पहले मिल्क शेक से स्टार्टिंग ली है, तो आस्ता आस्ता क्या आपने कुछ किया जो फिर आपको तरक्की होगी? अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले बात है हमारे वालिदैन की, ये दुआएं साथ हो, तो सबसे पहले हमने जो मिल्क शेक से स्टार्ट से पकड़ा, फिर स्टॉप बाई स्टॉप हमने जो दही भल्ले वगैरह आइसक्रीम वगैरह तो शवरमा वगैरह बर्गर वगैरह हमने लगाना शुरू किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में हमारा नाम बहुत मशहूर है गोगा रिफ्रेशमेंट सेंटर। दही भल्ले में ऐसा क्या खास बात है जो लोग बहुत पसंद करते हैं? जी हमारे दही भल्ले में खासियत ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह माल वो जो फ्रेश रोज़ाना यूज़ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाते हैं माल, बाज़ार से नहीं लाते जो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है तो घर में बनाते हैं सारा कुछ जो भी। आपका नाम? जावेद। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या पसंद है? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? उसामा। आप यहाँ पे क्या ख़ास खाने आते हैं? मैं यहाँ का शेक पसंद करता हूँ। अच्छा, क्या ऐसा ख़ास मिल शेक है? असल में स्ट्रॉबेरी शेक अभी फ़िलहाल कहीं मिल नहीं रहा, यहाँ भी मिल रही, सो ऐसे यहाँ से ट्राई करते हैं। ये जो आप बर्गर खा रहे हैं इसकी क्या ख़ास बात? ख़ास बात यही कि बस जिम से आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा खा लेते हैं। आपको क्या पसंद है यहाँ? वालेकुम सलाम। आपका नाम? यासिर ज़ुल्फ़िकार। आप यहाँ पे क्या शौक से खाने के लिए आते हैं? आज तो फालूदा वैसे आते रहते हैं, शेक वगैरह पीने के लिए, बर्गर वगैरह जो भी अच्छा लगे। तो यहाँ के जो दही भल्ले हैं उनकी क्या ख़ास बात है? खाए हैं एक दो दफ़ा माशाल्लाह, काफ़ी टेस्टी हैं, नॉट बैड। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम दिलनवाज है। कितने से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर मुझे 7 साल हो गए। यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे मैं आइसक्रीम फलूदा गोलगप्पे है मेरे पास, आइसक्रीम है हमारा मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, कुल्फा है, चॉकलेट है, पाइनएप्पल है, और भी मुख्तलिफ फ्लेवर मिल जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहसन। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? दही भल्ले, चना चाट, फ्रूट चाट, बर्गर वगैरह। कितने अर्से से आप यहाँ पे काम? यहाँ पे 11 साल से। सबसे पहली बात यह है कि हमारा घर का सारा कुछ तैयार करने वाली चीज़ें हमारी जो जो यहाँ पे तैयार होती है सारे हमारे घर का ही है, बाहर से शॉप से कोई चीज़ नहीं आती है, जो खुद तैयार करते हैं, हमारे घर का मसाला है, हर चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वाम आती है, हर चीज़ खाती है, मज़े के अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बना रहे हैं, आप भी खाएं चेक करें, माशाल्लाह हर बंदा यही कहता है कि माशाल्लाह गोगा रिफ्रेशमेंट। अच्छा, आपके मसालों में क्या ऐसी खास बात है? मसालों की वो भी हमारा घर के ही हम खुद ही बनाते हैं, बाज़ार से कोई चीज़ नहीं आती है, घर का मसाला है हमने, या दही भल्ले हमारे चना चाट है, ये दही चना ये चटनियाँ वगैरह हैं, खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, ये हमारी घर की है, खुद बनाते हैं, यही खास बात है कि हम घर का बनाते हैं, कोई बाहर से वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, एक प्लेट में कितनी आइटम्स डालते हैं? एक प्लेट में हम तकरीबन 11 से 12 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी हैं? ये पापड़ी वगैरह है, बूंदी वगैरह है, आलू वगैरह है, चने वगैरह, सलाद है, दही भल्ले हैं, चना चाट है, मीठी चटनी है, खट्टी चटनी है, पुदीने वाली है, मसाला है, ये मिला के कुल मिला के हमारे पास 11 आइटमें होती हैं। तो एक प्लेट की कितनी कॉस्ट आती है? 100 की 1 प्लेट है।
जी तो नाज़रीन, जैसा कि आज हमने आपको गोगा रिफ्रेशमेंट शॉप का विज़िट करवाया और यहाँ के लजीज़ा दही भले, फ्रूट चाट, चना चाट और मिल्क शेक के बारे में आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो को आप तक पहुँची के साथ अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।